गुरु मंत्र मिल गया मानो गुरुदेव अब हमारे साथ हैं। और हकीकत में देखा जाए तो विवेक दृष्टि से कभी भी उनसे दूरी है ही नहीं। और संसार की चीजें जो अप्राप्त है, अप्राप्त से कभी भी हमारी एकता है ही नहीं, पर जो मिला हुआ नहीं है उससे एकता और उसकी आवश्यकता महसूस करते रहते हैं, और जो सदा के लिए प्राप्त है उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। कई ऐसे लोग होते हैं, उनको दुनिया की चीजों की ही इच्छा आवश्यकता लगती है कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। पर आप समझदार हैं जो आपको लगा कि नहीं, मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, मुझे गुरु मंत्र लेकर उसका जप करना चाहिए, ऐसी जिसको आवश्यकता महसूस हुई समझो उस पर ईश्वर की कृपा है। मुझे न जाना गंगा सागर, ना जाना रामेश्वर काशी। गंगा सागर जहां गंगा समुद्र में मिलती है। मुझे न जाना गंगा सागर, ना जाना रामेश्वर काशी, मुझे तो गुरु दर्शन को जाना, मेरी अखियां गुरु दर्श की प्यासी। मैं इधर उधर तीर्थों में कहां जाऊं, तीर्थानी दक्षिणे पादे वेदास्तन मुख रक्षिता। सारे तीर्थ मेरे गुरुदेव के चरणों में बसते हैं, मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में आ गया फिर मुझे इधर उधर जाने की जरूरत क्या है। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम, मैं क्यों फिर कहीं और भटकने की इच्छा रखूं। आज पुरुषोत्तम मास की पूनम है, इसलिए सब मिलकर 11 मंत्रों से भगवान को प्रणाम करेंगे। मैं बोलूंगा, आप पीछे बोलना, ओम कुर्माय नमः, सहस्त्र शीर्षणे नमः, सहस्त्र नमः, ओम देवाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम सहस्त्राक्ष पादाय नमः, ओम सहस्त्राक्ष पादाय नमः, ओम हरये नमः, ओम हरे नमः, लक्ष्मीकांताय नमः, ओम लक्ष्मीकांताय नमः, ओम सुरेश्वराय नमः, ओम सुरेश्वराय नमः, ओम स्वयं भुवे नमः, ओम स्वयं भुवे नमः, ओम अमित तेजसे नमः, ओम अमित तेजसे नमः, ओम ब्रह्म प्रियाय नमः, ओम ब्रह्म प्रियाय नमः, ओम ब्रह्म गोत्राय नमः, ओम ब्रह्म गोत्राय नमः। ये 11 नाम भगवान विष्णु के बोलते हुए हमने मानसिक प्रणाम भगवान को किया। अब 7 नाम भगवती लक्ष्मी के इस पुरुषोत्तम मास में विशेष एक एक बार बोलना चाहिए, और आज की पूर्णिमा है पुरुषोत्तम मास की तो विशेष। ओम लक्ष्मये नमः, ओम लक्ष्मये नमः, ओम कमलाये नमः, ओम कमलाये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम पद्मवासाये नमः, ओम पद्मवासाये नमः, ओम हरिवल्लभाये नमः, ओम हरिवल्लभाये नमः, ओम क्षीराब्धितनयाये नमः, ओम क्षीराब्धितनयाये नमः, ओम इंदिराये नमः, ओम इंद्रियाये नमः, ओम इंदिराये नमः, ओम इंद्रियाये नमः। ये 7 नाम भगवती लक्ष्मी जी के हैं जो इस पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से बोले जाते हैं। आश्रम द्वारा ऋषि प्रसाद पत्रिका प्रकाशित होती है, आप में से कईयों के घर पर आती होगी, जिनके घर पर ना आती हो वो अपने घर पर जरूर
ऋषि प्रसाद पत्रिका मंगाया करें, उसमें कई ऐसी कल्याणकारी बातें छपती है जो ग्रस्त जीवन में बहुत उपयोगी होती है। संसार में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या सुख और दुख की ही है। लोग सदा सुख चाहते हैं कि जीवन में कभी भी दुख ना आए, फिर भी दुख आ जाते हैं, तो इन दुखों का प्रमुख कारण क्या है? महापुरुष मनोरोगों को ही दुखों का कारण मानते हैं। जो मानस रोग शास्त्रों में बताए गए हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जहिते दुख पावही सब लोगा, काम वात कफ लोभ अपारा, ये सब रोग हैं। तो उसमें आखिरी में लिखा था 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे, तो सोचा कि चलो मरने से पहले 108 पाठ कर लेता हूं। अब जो मरने जा रहा था रेलवे स्टेशन पर, वो घर लौट के आया, बिल्कुल घटित घटना है, कहानी बना के नहीं सुना रहा हूं। मैं चाहूं तो कहानी बड़ी बड़ी बना के सुना सकता हूं खुद, परंतु बनावट करना, किसी को प्रभावित करने के लिए बोलना पाप है, किसी को प्रकाशित करने के लिए बोलना वो पाप नहीं है, पुण्य है। तो वो घर आ गए, 108 पाठ किए, तो जो उनसे पैसे मांगते थे, जिनसे कर्जा लिया था, उन्होंने ही आकर कहा कि भाई चिंता मत करना, जब पैसों की सुविधा हो तब दे देना, तुम मौज कर्जा। तो फिर तो उन्होंने अपने काम धंधे में ध्यान दिया, दारू पीना छोड़ दिया, तो सूझबूझ बढ़ी, सात्विकता बढ़ी, डिसीजन अच्छे लेने लगे, काम चल पड़ा, 9 लाख कर्जा उतार दिया और फिर दीक्षा भी ले ली। तो वो ये पाठ है श्री आशा रामायण का, जो अभी हम लोग करेंगे। सेवादारी जल्दी जल्दी बांट दो, जिनके पास हाथ ऊपर कर।